हरियाणा की सत्ता अपने नाम कर बीजेपी तीसरी बार राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की जीत के बाद सभी पार्टियों से अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हरियाणा चुनाव पर बयान दिया है। मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, बसपा और इनेलो ने मिलकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ा। परिणामों से पता चलता है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बसपा को वोट नहीं दिया, जिससे बसपा के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से हार गए। हालांकि बसपा का पूरा वोट ट्रांसफर हुआ, जबकि यूपी के जाट समाज के लोगों ने अपनी जातिवादी मानसिकता को काफी हद तक बदला है और वो बसपा से MLA और सरकार में मंत्री भी बने हैं। मायावती ने सलाह देते हुए लिखा, हरियाणा के जाट समाज के लोगों को भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपनी जातिवादी मानसिकता को जरूर बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बसपा के लोगों द्वारा पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। भरोसा देती हूँ कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लोगों को निराश नहीं होना है और न ही हिम्मत हारनी है, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तत्पर रहना है। नया रास्ता निकलेगा। तो वहीं जीत का जश्न मनाती बीजेपी ने राहुल गांधी को जलेबी भेज डाली। साथ ही डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भाजपा के हिस्से में जलेबी और इमरती दोनों, जबकि कांग्रेस के हिस्से में जंगली जलेबी भी नहीं आई। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत पर पूर्व WFIF अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा, हमारा नाम लेकर अगर विनेश फोगाट जीत गई, इसका मतलब है कि हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि मेरा नाम लेकर उनकी नैया पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। राहुल बाबा का क्या होगा, जहां भी विनेश जाती है वहां सत्यानाश ही होता है। इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई, लेकिन नैया तो पार हो गई लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा, वो तो जीत गई लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ, वो जहाँ जहाँ जाएगी सत्यानाश ही होगा। इसके अलावा डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक ने भी हरियाणा जीत पर बयान देते हुए कहा, राहुल गांधी बस नाटकबाजी कर रहे हैं, मंच पर जलेबी खाने का नाटक हरियाणा में नहीं चला, जनता ने नकार दिया। ऐसा ही नाटक उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने खटाखट फटाफट सटासट को लेकर किया। ये जनता को गुमराह करने वाली राजनीति है। उन्होंने कहा कि राहुल जी मंच पर खूब जलेबी खाएं, मक्खन खाएं, पर नाटक ना दिखाएं। जब ये जीतते हैं तो EVM अच्छी है, जब हारते हैं तो तरह तरह के आरोप लगाते हैं। पाठक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जनता का भरोसा भाजपा ने जीता है, वहां के समीकरण दूसरे हैं। इसी तरह से हरियाणा जीत पर बीजेपी के अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आए हैं। तो वहीं कांग्रेस की जीत का सपना टूटने के बाद कांग्रेस दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।